गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सामने नदी, फिर बादल, फिर पहाड़। चौथ जबरदस्त दिख रहा है। कैमरे में उतना क्लैरिटी नहीं आएगा इसका, ज़्यादा जूम भी नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है। और यहाँ पे देखो बादल कैसे हो रहे हैं। आज बारिश होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है, बट रात भर बारिश हुई है। बस सड़क देख क्या गीली हो रखी है, एकदम ठंडा सा मौसम हो गया। नाक भी एकदम ठंडी से हो रही है मेरी। चलो आज जिम बंद ना हो यार, गणेश चतुर्थी आज। हाँ मजे आ जाएंगे। चलो ये है प्रिंस, गंदा हो रखा है, पूरा गंदा हो रखा है, अभी अभी दांत दिखाएगा। सो गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लाइफ वंस अगेन। एंड अभी हमें फुर्सत मिली है क्योंकि अभी हम देख रहे थे अपना व्लॉग डेस्टिनेशन वेडिंग का। और अगर आपने अभी तक डेस्टिनेशन वेडिंग का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देख लें। आज अब तक तो सारे व्लॉग रिलीज हो चुके होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और आज हमारे खाने में बन रहा है डिनर में। टीना ने एक्चुअली मेरे को पूछा, आज क्या पूछा बताऊं, टीना ने मेरे को पूछा क्या खाओगे, जो मैं रास्ते में निकल रहा था, कढ़ाई पनीर और ये। मैंने कहा आलू के पराठे बना दे, मना नहीं कर पाई मेरे को। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को पूछा था उसने। कोई एक्सपर्ट कमेंट करना है मैडम आपको? नहीं, आपको दिखाता हूँ बारिश क्या कड़ाके की हो रही है। देखो देखिए कैसे बिजली चमक रही है। नहीं मैं फोन चला नहीं रखा मैंने, जब चालू होता है तब प्रॉब्लम होती है। नहीं बिजली कैसे कड़क रही है बहुत जब, देखो ये सब बिजली। और ये हर शाम डेली शाम को तीन दिन से लगातार कड़ाके की दम, कड़कड़ पूरा बारिश हो रही है और खतरनाक हो रही है। अभी तो आवाज बंद हुई, जैसे अभी पटाखे बजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और आज गणेश चतुर्थी का लास्ट दिन, आज सारे विसर्जन हो रहे हैं, जो नौ नौ दिन के रहते हैं उनका आज पूरा विसर्जन हो रहा है। बारिश लगातार हो रही, रात भर बारिश होने वाली है अभी। सो आलू परांठे के साथ हम लोग खाने वाले हैं चाय, पीने वाले हैं चाय। और आप लोग बताइए कितने लोग आलू परांठे के साथ क्या खाए। अरे अपने पास चटनी भी है ना? हाँ चटनी नहीं है, हम जो एक बहुत बढ़िया सॉस लाए, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लेके आऊँ। ये वाली, ये हमने सॉस लेके आए हैं, ये है ठंडी पता नहीं क्या लिखा है, थाइंडो स्वीट ग्रीन चिली। ये बहुत बढ़िया, एक हम गए थे लेने के लिए जब राशन, तब वहाँ से लाए थे, तो आज इसको टेस्ट करेंगे। प्लस इसके अलावा आप लोग ये बताइए कि आप आलू पराठे के साथ में क्या खाते हैं। हम तो आलू पराठे के साथ में दो चीज़ लेते हैं, एक तो चाय और दूसरी लस्सी, तीसरी चीज़ कुछ थी ना। और कई लोगों मैंने देखा दही भी खाते हैं, आलू पराठा अचार दही, वो भी एक अलग अच्छा रहता है। बट हम लोग वीर तो बटर खाते हैं, वीर बटर खाते हैं। हाँ तो वीर जो है बटर, नहीं बटर तो हम भी खाते हैं ऐसे। नहीं मैं क्या खाता हैं। हाँ हाँ करेक्ट तो बटर भी रहता है हमारे उसमें। सही है। देखो सर मेरे कुर्सी में, बॉस द बॉस चेयर में बैठ के पढ़ाई चालू है उनकी। कैसा लग रहा है? ठीक है। सो वीर का क्या है, वीर मंडे टू फ्राइडे वो मेरे इसमें बैठता है, सैटरडे संडे मैं बैठ के काम करता हूँ या मैं जब वर्क फ्रॉम होम पे रहता हूँ। बट मोर लेस वीर ही इसको यूज कर रहा है चेयर को। बट इसको ना अंदर ज्यादा मत डालना, नहीं तो ये इसका ये खराब हो जाएगा। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एसएस के रिवीजन क्वेश्चंस लिए, 22 क्वेश्चन। ठीक है करो। सब जब बिजली कड़कती है ना, और जिनके पास पेट्स है उनको पता होगा, ये देखो हमारा रैम्बो यहाँ पे बैठा हुआ बेचारा। ये जब जब बिजली कड़क रही है तब तक वो यहाँ पे बैठ जा रहा है। रैम्बो डरा हुआ है बेचारा बहुत ज्यादा, क्योंकि आवाज इनको बहुत लगती है ना। चलो सो जा। अब नहीं हो रही आवाज, देखो कितना उदास बैठा हुआ है। कंप्लीट रैम्बो। सो इन लोगों को आवाज बहुत ज्यादा लगती है, और आई डोंट नो बिजली की वजह से क्यों इतना ये डर जाते हैं। और वैसे साउंड बजता है या ढोल तमाशे वगैरह, तमाशा जो कहते हैं, ढोल बताशे जो वगैरह बजते हैं, तो वो उससे जबरदस्त डरते हैं। ये देखो
ये आलू में क्या क्या निकल के आ गया, ये क्या है ये? बीज। यहाँ ज्यादा दिन महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई में मैंने देखा है बात, ज्यादा दिन जिन आलू को अगर नहीं करो तो क्या हो जाता है, ऐसे निकल आते हैं इसके, है ना, पेड़ निकल जाते हैं इसके। देखो कैसे बिजली चमक रही है, अभी आवाज नहीं हो रही, आवाज होगी तो बताता हूँ। फिलहाल करते हैं दीदी जी से वीडियो कॉल पे बात फटाफट, और ये मेरा व्लॉग चल रहा है यहाँ पे। और जिसने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकता है, शिवरावत चेन ऑफ लाइफ। सो ये हमारा बन गया है मसाला, और ये देखिए इसमें मस्त मस्त कड़ी पत्ता तो नहीं लग रहा मुझे, धनिया है ये, धनिया तो करी लीव, अरे यार धनिया डालती तो और मजा आता है, बट एनीवे करी लीव डाला है तो शायद इससे भी टेस्ट थोड़ा मस्त हो जाएगा। मिर्ची भी नहीं है, हरी मिर्ची। ओए होए टीना, तो वीर ने एक मेरे से क्या कमिटमेंट किया, बोल अब तू। अगर दोनों वीडियो को 1000 कौन से वाले पे, डेस्टिनेशन वाले पे, उनको 1000 के ऊपर व्यूज मिल गए तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा। सो वीर ने क्या बोला है कि मेरे जो डेस्टिनेशन वेडिंग के किसी भी एक वीडियो पे 1000 से भी व्यू ऊपर आ गए तो वीर जो है वो नीचे खेलने नहीं जाएगा, परमानेंटली या कुछ महीने तक, सितंबर मतलब एक महीना, एक महीना जब से जिस दिन होंगे उस दिन से एक महीना काउंट होएगा, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ तो ऐसे कैसे फिर, ऐसे थोड़ी पता चला 25 सितंबर को 1000 व्यू हुए उसके बाद तू बोलेगा मैं नहीं जा रहा, ऐसे थोड़ी होता है, सितंबर महीना ही है बस। अच्छा मतलब तू अभी से नहीं जा रहा है, तू ये मान के रखा है कि 1000 व्यू हो जाएंगे? अच्छा चलो बहुत चालू माल है तू, अगर एग्जाम है तेरे इसके लिए नहीं जाएगा नीचे तो इसके साथ क्लब कर रहा है, है? देखिए कैसे आवाज आ रही है, ये तो पटाखे की आवाज थी बट गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आ रही पीछे से, वही मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं स्लो मोशन में नहीं, बिजली कटक रही है बस, आवाज नहीं आ रही। वीर का भी स्टार्ट हो गया खाना, मैं भी स्टार्ट करता हूँ अभी। गुड नाइट भगवान जी। चलो कल 12 बजे देखते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं खत्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैनल लाइव के। गाइस 1000 कर दो, कौन से वाले व्लॉग में, डेस्टिनेशन वेडिंग में।